दुनिया भर में बढ़ते हुए कृषि बाजार में भारत एक प्रमुख देश है। कृषि भारत के 58% जनसंख्या की आजीविका का मुख्य जरिया है। मैरिनो ग्रुप ने भारत के कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी एवं फूड प्रोसेसिंग के महत्व को समझते हुए इन क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को स्पष्ट रूप से बढ़ाया है और इसी के फलस्वरूप आज हम आलू के फ्लेक्स और बेहतर गुणवत्ता वाले बीज के आलू के प्रमुख उत्पादक हैं। हमारे बीज का आलू केंद्रीय आलू संस्थान शिमला द्वारा संस्तुत सीड प्लांट तकनीक से तैयार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, LR और पुखराज जैसे कई बीज अपने किसान भाइयों के समक्ष लाते हैं। मैं पुष्पेंद्र सिंह मैरिनो कंपनी से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूं। इनके बीज उम्दा क्वालिटी के बीज होते हैं और इनका बीज एक बार लेने के बाद मैं 2-3 बार बो लेता हूं, जिससे मुझे मुनाफा भी अच्छा होता है और मैरिनो कंपनी के आदमी आकर मुझे समय समय पर सपोर्ट करते हैं। हमारे बीज के आलू के उत्पादन तरीकों में मुख्य रूप से शामिल है DBT द्वारा मान्यता प्राप्त टिश्यू कल्चर लैब, जिसका संचालन हमारे प्रशिक्षित वैज्ञानिक करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तेजपाल तोमर है। मैरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीज के आलू का उत्पादन केंद्रीय आलू संस्थान के अनुसार करती है और शायद यही कारण है कि मैरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज बीज के आलू के क्षेत्र में एक बहुत ही भरोसेमंद और एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, जिस पर किसानों का बहुत भरोसा है। सीड प्लांट तकनीक के अंतर्गत सुझाई गई एवं मिट्टी की जांच पर आधारित एग्री इनपुट का प्रयोग, एफिड मुक्त समय का चयन एवं पूर्व जानकारी के आधार पर फसल स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाता है। 300 से भी ज्यादा समर्पित कृषक परिवारों का भरोसेमंद साथ। अपने किसानों और ग्राहकों की सुविधा के लिए 1967 से हम कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से हापुड़ में 32,000 टन से ज्यादा की स्टोरेज एवं ग्रेडिंग सुविधा प्रदान करते आ रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आलू की खेती करता हूँ। मैं मैरिनो कंपनी से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनका आलू जो सीड जो है वो वायरस फ्री है और इनके आलू का साइज और चमक बहुत अच्छी है और बम्पर पैदावार होती है मेरी। हमारे सभी सहयोगी और ग्राहक मैरिनो परिवार का हिस्सा है। ये रिश्ता विश्वास का है। मैरिनो बीज के संबंधित तकनीकी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम भविष्य में अपने कृषकों एवं ग्राहकों को हर कदम पर भरपूर सहयोग देते रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर कृषि क्षेत्र की समृद्धि में सक्रिय भागीदारी कर सकें।